Редактор субтитров А.Семкин हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग वेलकम टू एम बाइव आप सभी का स्वागत है वेलकम है एम बाइव के इस प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का वेलकम सुबह के आठ यहां पर बज चुके हैं और वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन सेशन सैटरडे स्पेशल आप सभी के सामने लाइव हो चुका है पूरे हफ्ते डेली बेसिस पर सुबह आठ बजे हमने डेली करंट अफेयर्स सेशन आप सभी के साथ डिस्कस किया जहाँ पर हमने डिटेल में करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पर कवर किया है तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट टाइम्स क्यूज़ हमने पूरे हफ्ते में यहाँ पर डिस्कस किए हैं उसके रिवीजन का टाइम है तो अब हम लोग उन सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन यहाँ पर करेंगे ताकि आप वीकली बेसिस पर रिवीजन के माध्यम से करंट अफेयर्स को याद रख सकें लर्न रख सकें ओके आगे बढ़ने से पहले सभी लोग फटाफट से, से सेशन को यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा पहला काम और दूसरा काम सेशन की लिंक को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा जहाँ कहीं भी आप लोग क्लास की लिंक को शेयर कर सकते हैं ओके तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की शुरुआत करते हैं क्लास की आप सभी के साथ ओके मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे के साथ करेंगे सेशन की शुरुआत तो आज का मोटिवेशन कोट क्या है आज का मोटिवेशन कोट यहां पर बनता है द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर मेजर सक्सेस आर ये आज का जो मोटिवेशन कोट है ना बड़ा ही शानदार है ये आपको बता रहा है कि सफलता हासिल करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है तो द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स दो सबसे जरूरी चीजें जो रिक्वायर्ड है सफलता हासिल करने के लिए पहली बीइंग द राइट प्लेस एट द राइट टाइम सही समय पर सही वक्त पर आपका होना आपको सफलता दिला सकता है मौके बार बार नहीं मिलते जीवन में तो अगर आपको कोई मौका मिला है और आप उस मौके को भुनाने के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं आप सही समय पर सही वक्त पर मौजूद हैं तभी आप उस मौके के हकदार हैं और आप उसके लिए अगर पूरी तरीके से तैयार हैं तो आपको सफलता मिलेगी कल अगर अचानक बैंक की कोई वैकेंसी आ जाए और पंद्रह दिन के अंदर एग्जाम हो फॉर एग्जाम्पल अगर कल कोई बड़ी वैकेंसी हमारे सामने आ जाती है और पंद्रह से बीस दिन के अंदर आपका एग्जाम होना तय है फॉर एग्जाम्पल तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं अगर आप उसके लिए तैयार हैं वैकेंसी आई आपने फॉर्म फिल कर दिया एग्जाम दिया क्रैक किया और आपने सफलता हासिल कर ली ले। लेकिन अगर आप उसके लिए तैयार नहीं थे तो ये सफलता आपको नहीं मिलती तो कहने का मतलब कि सही जगह पर सही वक्त पर आपका होना आपको सफलता दिलाएगा और दूसरा डूइंग समथिंग अबाउट इट मतलब दूसरी बात ये है और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि सही समय पर सही वक्त पर आपका होना सही कैपेबिलिटीज के साथ ये आपको काम करना है कि आपको कोशिशें करते रहने हैं ट्राई करते रहना है कि आप सही समय पर सही वक्त पर मौजूद रहें बस दूसरा काम यही है दूसरी रिक्वायरमेंट यही है सफलता हासिल करना है सही वक्त पर सही समय सही कैपेबिलिटीज के साथ आपका होना ज़रूरी है और दूसरा काम कि आपको इसके लिए जत्न करते रहना है इसके लिए ट्राई करते रहना है कि आप सही समय पर सही वक्त पर मौजूद हों दूसरा रिक्वायरमेंट बस यही है कि आप ऐसा कर पाने में सक्षम हो और इसके लिए कोशिशें करें उम्मीद है कि ये मोटिवेशनल कोड आपको समझ में आ गया होगा ये मोटिवेशनल कोड जो दिया गया है वो मैकडोनाल्ड के फाउंडर जिन्होंने फ्रेंचाइजी बिजनेस को आगे बढ़ाया उनके द्वारा दिया गया मोटिवेशन कोट है तो चलिए आज हम लोग लगभग पचास से ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का रिविजन करने वाले हैं आज के सेशन में में तो uh, काफी हैं। तो काफी ज्यादा बेसिकली हम लोग यहाँ पर रैपिड फायर मोड आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे जहां पर आपको तुरंत के तुरंत के क्वेश्चन को रीड करके आंसर देना होगा तो क्वेश्चन नंबर वन आप सभी के सामने ये रहा क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और आंसर यहां पर कीजिएगा ओके क्वेश्चन नंबर वन रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अलबनीस एंथनी अल्बनीज विजिटेड दाबरमती आश्रम इन विच ईयर डिट ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था जो कि इससे पहले थे मेलकम टर्नबोल मेक हिज लास्ट विजिट टू इंडिया हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज ने साबरमती आश्रम का दौरा किया है विजिट किया है किसी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो मेलकम टर्नबुल ने अपनी अंतिम भारत यात्रा किस वर्ष की थी क्योंकि उनके बाद एंथनी अल्बनीज आपके पहले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे उनकी यात्रा के बाद जिन्होंने यहां पर इंडिया को विजिट किया है या इंडिया विजिट पर आए हैं चार दिनों की यात्रा पर यह इंडिया आए थे तो मेलकम टर्नबुल मेलकम टर्नबुल इंडिया की यात्रा पर या इंडिया विजिट पर कब आए थे तो वो आए थे टू में दो में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकेंड

बोथ ए एन बी रूप की रानी चोरों का राजा और सेकंड ऑप्शन नंबर बी प्रेम इन दोनों फिल्मों का डायरेक्शन सतीश कौशिक साहब के द्वारा किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन सोफिया डंकले सोफिया डंकले क्रिएटेड द रिकॉर्ड ऑफ स्मैसिंग द फास्टेस्ट फिफ्टी एट द विमेंस प्रीमियर लीग ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सी प्लेस इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर विच कंट्री ध्यान से आंसर यहां पर दीजिएगा इंडिया में पहली बार विमेंस आईपीएल आपका हो रहा है ये तो आपको पता ही है तो सोफिया डंकले ने विमेन प्रीमियर लीग 2023 में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का जो रिकॉर्ड है वो बनाया है वह तो किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आपके यहाँ पर खेलती हैं किस कंट्री के लिए वो आपके यहाँ पर खेलती हैं पाँच ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थ्री सही जवाब वो इंग्लैंड की फीमेल क्रिकेटर हैं और इस समय भारत में वुमेन्स प्रीमियर लीग खेल रही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द रेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत टीम रिसेंटली कैप्चर्ड द ईरानी कप फॉर ट्वेंटी फिफ्थ टाइम बाई डिफीटिंग विच स्टेट हाल ही में शेष भारत ने हाल ही में किस राज्य को हराकर 25वीं बार ईरानी कप आपका यहां पर जीत लिया है मध्य प्रदेश को हराकर महाराष्ट्र को हराकर आंध्र प्रदेश कर्नाटका या फिर उड़ीसा क्वेश्चन नंबर फोर सही जवाब मध्य प्रदेश को हराकर शेष भारत की टीम ने ईरानी क्रिकेट कप अपने नाम यहां पर किया है नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच सिटी वॉज द ऑल इंडिया विमेन्स फोक आर्ट कॉन्फ्रेंस रिसेंटली ऑर्गेनाइज ध्यान से हाल ही में अखिल भारतीय महिला आ, लोक कला सम्मेलन किस भारतीय शहर में आपका यहाँ पर आयोजित किया गया था शहरों के नाम ऑप्शन आपके सामने हैं सही जवाब क्वेश्चन नंबर फाइव करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई सिटी इज द राइट आंसर है ठीक है थोड़ा सा हम लोग फास्ट मोड में फास्ट फॉरवर्ड मोड में सेशन को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या पचास से ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को रीड करना है फटाफट से आंसर करना है आगे बढ़ने से पहले सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स एज रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द आरबीआई गवर्नर डेली ट्रांजैक्शंस थ्रू द यूपीआई और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हैव क्रॉस्ड हाउ मच इन द पास्ट ट्वेल्व मंथ्स पिछले बारह महीनों की अगर बात यहां पर करें तो पिछले बारह महीनों में आर गवर्नर की घोषणा के अनुसार यू के माध्यम से दैनिक लेन देन है डेली बेसिस पर जो ट्रांजेक्शन है वो बारह महीनों के किस अमाउंट के रिकॉर्ड को पार कर चुके हैं छत्तीस करोड़ ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड क्वेश्चन नंबर सिक्स सही जवाब छत्तीस करोड़ छब्बीस करोड़ छियालीस छप्पन और सोलह तो छत्तीस करोड़ रुपए आपके यहाँ पर पिछले बारह महीनों में लेन देनों की बात करें तो ट्रांजेक्शंस की संख्या छत्तीस करोड़ के पार हो गई है जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हेयर नेक्स्ट एज रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री विच सेक्टर विल नाउ बी सब्जेक्ट टू मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजंस अभी हाल ही में जैसा कि हमारे देश के वित्त मंत्रालय के द्वारा इस बात की घोषणा की गई है कि अब कौन सा क्षेत्र कौन सी फील्ड यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधानों के अधीन होगी क्रिप्टो ट्रेडिंग होगी गेमिंग बिजनेस होगा कसिनो बिजनेस होगा बैंकिंग इंडस्ट्री मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधानों के अधीन मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब या मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधान जिसमें ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट होने से रोकना है उसके लिए प्रावधान किए गए हैं तो क्रिप्टो ट्रेडिंग मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधानों के अधीन आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है नेक्स्ट ऑन फेबर ट्वेंटी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर द द एवर डेली वॉल्यूम ऑफ अमाउंटेड टू ध्यान से आंसर दीजिएगा फरवरी को एनई एफ टी ने इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ने लेन देन की उच्चतम दैनिक मात्रा यानी कि डेली बेसिस पर जो भी डेली वॉल्यूम है वो हाई लेवल पर पहुंचा लेन देन की धनराशि आपकी यहां पर कितनी थी अमाउंट आपका यहां पर क्या बनेगा ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें लेन देन का ट्रांजेक्शन क्वेश्चन नंबर एट सही जवाब करीब करीब थ्री पॉइंट वन एट करोड़ टोटल ट्रांजेक्शन आपके यहाँ पर हुए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हेयर रिसेंटली अरुण सुब्रमण्यन बिकेम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ विच अमेरिकन सिटी ध्यान से लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है और ये आपका एक इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट बनता है हाल ही में अरुण सुब्रमण्यम किस अमेरिकी शहर के जिला न्यायालय के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश आपके यहाँ पर बने हैं तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट का जिले का नाम आपका यहाँ पर क्या बनेगा जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं क्वेश्चन नंबर नाइन आंसर बनेगा न्यूयॉर्क सिटी या न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर या नेक्स्ट हु वॉज अवार्डेड द प्लेयर ऑफ द मैच एट दाइनल ऑफ द ईरानी कप ईरानी कप टूर्नामेंट के दौरान शानदार प्रदर्शन करने के लिए फाइनल मैच में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार आपका यहाँ पर दिया गया पांच ऑप्शन आपके सामने हैं सही जवाब यशस्वी जयसवाल अनुभव अग्रवाल अरहम अकील अमन सोलंकी और नन तो यहाँ पर यशस्वी जयसवाल को यह अवार्ड आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हेयर करेक्ट आंसर ए आपका यहाँ पर बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इलेवन नंबर क्वेश्चन हु हैज़ बीन गिवन द प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट डॉक्टर एल मुर्गन एट द एट्स नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स ध्यान से बताइएगा कि इस अवार्ड को कैसे यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है या ये अवार्ड कैसे आपके यहाँ पर दिया गया है आठवें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कारों में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन द्वारा प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे आपका यहां पर दिया गया है पांच ऑप्शन क्वेश्चन नंबर इलेवन कुमार रामचंद्रन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड नेक्स्ट ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज इनोग्रेटेड द नेशनल वर्कशॉप ऑन बेंबु सेक्टर डेवलपमेंट इन विच सिटी इंपॉर्टेंट है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में बांस क्षेत्र बेंबू सेक्टर के विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला यानी कि नेशनल वर्कशॉप का उद्घाटन आपका यहाँ पर किया है शहर का नाम यहाँ पर क्या बनेगा पांच ऑप्शन सही जवाब क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारतीय राजधानी नई दिल्ली यहाँ पर सही जवाब आपका बनेगा नेक्स्ट फाइव डे लॉन्ग पांच दिनों तक चलने वाला यशांग उत्सव और यशांग फेस्टिवल एज बिगन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया भारत के किस राज्य में यशांग उत्सव का आयोजन शुरू हो चुका है पांच दिनों तक ये फेस्टिवल आपका यहाँ पर चलता है राज्य का नाम यहाँ पर क्या बनेगा पाँच ऑप्शन सही जवाब क्या ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी या जी हाँ ऑप्शन नंबर डी मणिपुर यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा नेक्स्ट विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज हैजील द आइकॉनिक डकोटा एयरक्राफ्ट फॉर पब्लिक विंग जनता यहाँ पर दीदार कर सके डकोटा विमान का इसके लिए यहाँ पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता के लिए जनता के प्रदर्शन के लिए यहाँ पर डकोटा विमान का अनावरण किया है महाराष्ट्र तमिलनाडु उड़ीसा आंध्र प्रदेश और केरला स्टेट तो नवीन पटनायक जो कि आपके चीफ मिनिस्टर बनते हैं उड़ीसा स्टेट के उनके द्वारा इसका अनावरण यहाँ पर किया गया है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन नेक्स्ट डॉक्टर मनिक शाह बीन श्रॉन इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ यहाँ पर ली है मनिक शाह ने पांच ऑप्शन सही जवाब क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हेयर नेक्स्ट रिसेंटली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च द अनपॉज इनिशिएटिव दिस इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद ये इनिशिएटिव किससे संबंधित आपका यहाँ पर है ये इनिशिएटिव महिलाओं को वापस से वर्कफोर्स में वापस लाने के लिए है यानी कि ऑप्शन नंबर ए ब्रिंगिंग दी वर्क वर्कफोर्स बैक टू वर्क या फिर ब्रिंगिंग दी वर्कफोर्स बैक टू वर्क पोस्ट कोविड या फिर इनहेंसिंग दी बैंकिंग नेटवर्क ए बी एन सी और नन ऑफ दीज तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सही जवाब है कि जो महिलाएं किसी भी वजह से किसी भी कारण से जिन्होंने अपने करियर को बीच में रोक दिया अपनी जॉब छोड़ दी वापस से जॉब शुरू करना चाहती हैं बेसिकली उनके लिए है तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है सेवनटीन रिसेंटली उज्जीवन इस्म फाइनेंस बैंक लॉन्च द अनपॉज इनिशियेटिव इन विच सिटी इज द सेट बैंक हेडक्वार्टर निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर आपके यहाँ पर लोकेटेड है जहाँ से इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी तो कोरमंगला बेंगलुरु ऑप्शन नंबर डी इज द राइट right आंसर हेयर बेंगलुरु के कोरमंगला में इनका रजिस्टर्ड हेड ऑफिस लोकेटेड है एकानी कानी जखालू और जाखलू बिकेम वन ऑफ द टू वीमेन टू गेट अ प्लेस इन नागालैंड इस्टेट लेजिस्चर सी डिफीटेड उन्होंने हराया है किसे हराया उन्होंने यहाँ पर एजेटो झिमोमी एजेटो झिमो को हराया तो एजेटो झिमोमी किस पोलिटिकल पार्टी से आपकी यहाँ पर बिलोंग करती हैं क्वेश्चन नंबर एटीन उनकी पोलिटिकल पार्टी का नाम है लोक जन शक्ति पार्टी ऑप्शन नंबर डी तो इनको हरा कर उन्होंने यहाँ पर Uh, ये चुनाव जीता तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है नेक्स्ट क्रोस मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग नागालैंड्स फर्स्ट विमेन मिनिस्टर इन विच ईयर डिड द नागालैंड गेट इट्स स्टेट होड ध्यान से सलहोलू सलहोतुनू क्रोस पूरा नाम है माफी चाहूंगा अगर कुछ गलत प्रोनशिएट हो जाए ठीक है सलहोतू ओन ने नागालैंड की पहली महिला मंत्री बनकर इतिहास रचा है नागालैंड को अपने राज्य का दर्जा किस ईयर में मिला किस वर्ष में नागालैंड को स्टेट होल्ड यानी कि राज्य का दर्जा आपका प्राप्त हुआ था क्योंकि तब से लेकर अब तक कोई भी महिला वहां पर एमएलए नहीं बनी और कोई भी महिला वहां पर मंत्री नहीं बनी ये फर्स्ट टाइम है तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए नाइनटीन में नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला ओके नेक्स्ट ट्वेंटी हु अमंग दॉ रिसेंटली कन्फर्ड विद प्राइज फटाफट से आंसर यहाँ पर दीजिएगा कि निम्निखित में से किसे हाल ही में दो हजार तेईस का प्रित्सकर आर्टिटेक्चर पुरस्कार दिया गया है या उससे उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है पाँच ऑप्शन प्रित्सकर आर्टिटेक्चर प्राइज बेसिकली आर्टिटेक्चर की फील्ड का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और इस साल यहाँ पर जो अनाउंसमेंट हुआ है वो हुआ है सर डेविड एलन चिपरफील्ड को देने के लिए तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आगे बढ़ने से पहले सभी लोग जो लोग रिवीजन यहां पर कर रहे हैं फटाफट से, से सेशन को लाइक करेंगे डू लाइक द सेशन एवरी वन ठीक है वीकली रिवीजन हम लोग हर हफ्ते करते हैं पचास से ज्यादा एमसीक्यूज का तो आप सभी एक की एक छोटी सी जिम्मेदारी की फटाफट से सेशन से को लाइक यहां पर जरूर कीजिएगा अगर आपको इस सेशन से, से वैल्यू मिलती है तो डू लाइक द सेशन एंड डू इट नाउ फटाफट जिन लोगों ने ना किया ओके नेक्स्ट ट्वेंटी वन एट विच ऑफ़ फॉलोइंग द्लेसेज वॉज द थर्टीन मिनट डॉक्यूमेंट्री ऑन कंट्रीज फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फातिमा बीवी रिसेंटली रिलीज सिंपल सा क्वेश्चन की हाल ही में देश की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी पर तीस मिनट की डॉक्यूमेंट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर जारी की गई है या ये डॉक्यूमेंट्री कहाँ पर आपकी रिलीज की गई है तो इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया गया केरला के तिरुवनंतपुरम में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है ट्वेंटी टू रिसेंटली रामचंद्र पौडेल वो द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच ऑफ दंट्रीज रामचंद्र पौडेल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति चुनाव इन्होंने आपके यहाँ पर जीता है रामचंद्र पौडेल तो हमारे पड़ोसी देश की बात हो रही है और हमारे पड़ोसी देश नेपाल के ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर तीसरे प्रेसिडेंट यानी कि तीसरे राष्ट्रपति आपके यहाँ पर बने हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है नेक्स्ट ग्रुप कैप्टन शालजा धामी बिकम द फर्स्ट इंडियन विमेन ऑफिसर टू कमांड दिसाइल स्क्न इन द वेस्टर्न सेक्टर इन विच ईयर वॉर सी कमीशन हेलीकॉप्टर पायलट ध्यान से आंसर दीजिएगा ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी पश्चिमी क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमाल संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बन गई हैं उन्हें किस वर्ष हेलीकॉप्टर पायलट के तौर पर आ, आ, शामिल किया गया था ज्वाइन कराया गया था सही जवाब पांच ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2003 में वो हेलीकॉप्टर पायलट के तौर पर उन्होंने ज्वाइन किया था नेक्स्ट रिसेंटली विच स्टेट मेड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हैंड रिटन नोट्स निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे अधिक संख्या में हस्तलिखित नोटों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रिसेंटली आपके यहाँ पर बनाया है तो अहोम डायनेस्टी के एक लेजेंड्स के लिए ये नोट्स आपके यहाँ पर लिखे गए थे और अहोम डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी असम स्टेट में तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर ये असम का इतिहास है नेक्स्ट रिसेंटली व्हिच मिनिस्टर रिलीज 30 मिनट डॉक्यूमेंट्री ऑन द कंट्रीज फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फातिमा बीबी आपको यहां पर बताना है कि किस राज्य मंत्री या किस मंत्री के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी पर 30 मिनट की जो डॉक्यूमेंट्री है वो जारी हुई है तो हमने अभी डिस्कस किया कि केरला कि के तिरुवनंतपुरम में इस डॉक्यूमेंट्री को जारी किया गया था और जारी किया गया है साजी सेरियन के द्वारा तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हेयर इनके द्वारा इसे इनोग्रेट किया गया नेक्स्ट हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल इज एज गुड एज माय वर्ड किताब का टाइटल आपके सामने है जिसका नाम है एज गुड एज माय वर्ड इस किताब के लेखक आपके यहां पर कौन बनते हैं राइटर पांच ऑप्शन 26 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के एम चंद्रशेखर इस प्रश्न का सही जवाब आपके यहाँ पर बनेंगे नेक्स्ट विच इज द फर्स्ट टीम टू विन अ मैच बाय टेन विकेट्स इन दुमन्स प्रीमियर लीग एक रिकॉर्ड बन गया है क्योंकि पहली बार विमेन्स आईपीएल या विमेन्स प्रीमियर लीग इंडिया में आयोजित की जा रही है टोटल पांच टीमें इसका हिस्सा यहाँ पर बनी है और इनमें से आपको बताना है कि किस टीम ने हाल ही में दस विकेट मतलब एक भी विकेट वहाँ पर उस टीम का नहीं गिरा और दस विकेट से मैच आपको यहाँ पर जीता है ऐसा आ, कारनामा करने वाली पहली टीम आपकी यहाँ पर जो बनी है वो है यूपी वॉरियर्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर नेक्स्ट वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन अफगानिस्तान हेल्ड निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आपकी यहाँ पर हुई थी शहर का नाम यहाँ पर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारतीय राजधानी नई दिल्ली यहाँ पर इस बैठक का आयोजन हुआ नेक्स्ट हुआ अपॉइंटेड एज द न्यू सी ई ओ एंड एम डी ऑफ हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड एक अपॉइंटमेंट है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए सी ई और एम डी के तौर पर हाल ही में किसे आपके यहाँ पर नियुक्त किया गया है पर्सनैलिटी का नाम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी रोहित जावा इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ली चांग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री ली चांग हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री ली चांग को आपके यहाँ पर नियुक्त किया है वापस से तो पांच ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा पड़ोसी देश नाम बनेगा चाइना जिसके यहाँ पर प्रधानमंत्री आपके नए प्रधानमंत्री आपके यहाँ पर नियुक्त हुए हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर विच ऑफ सिटीज़ हैज स्टार्टेड इनिशिएटिव कॉल्ड बैगर फ्री सिटी निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर ने शहर को भिखारियों से मुक्त करने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल या बेगर फ्री सिटी नामक एक नई पहल आपके यहाँ पर शुरू की है शहर का नाम पांच ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन करेक्ट आंसर इज नागपुर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है नेक्स्ट रिसेंटली द एलीफेंट विस्पर्स वॉज अवॉर्डेड द नाइन्टी फिफ्थ अकेडमी अवार्ड्स इन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी हु डायरेक्टेड द सेड शॉर्ट फिल्म ध्यान से आंसर दीजिएगा हाल ही में द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी में पंचानवेवें अकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है यह शॉर्ट फिल्म का निर्देशन या इस शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टर आपके यहाँ पर कौन बनते हैं पांच ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्तिकी गोंजालवेज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हेयर और ये फिल्म इनकी डेब्यू फिल्म थी ये भी याद रखिएगा नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोविंग वॉज और वेयर अवार्डेड द बेस्ट डायरेक्टर एट दाइनटी फिफ्थ अकेडमी अवार्ड हाल ही में दिए गए ऑस्कर अवार्ड्स में किसे यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड आपका यहाँ पर दिया गया है तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दो लोगों को मिलकर यहाँ पर दिया गया है तो ऑप्शन डी uh, और ई करेक्ट आंसर क्या बनेगा तो ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एन वी बोथ ए एन बी इज द राइट आंसर है नेक्स्ट फॉर विच फिल्म वॉज ब्रैंडन फ्रेजर रिसेंटली अवार्डेड द बेस्ट एक्टर एट द नाइन्टी फिफ्थ अकेडमी अवार्ड अकेडमी अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे आपका दिया गया है सिंपल सा क्वेश्चन है बेस्ट एक्टर का अवार्ड है ब्रैंडन फ्रेजर को लेकिन किस फिल्म के लिए दिया गया या किस फिल्म में एक्टिंग के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया है सिंपल सा क्वेश्चन सही जवाब ऑप्शन नंबर बी द वेल इस फिल्म में एक्टिंग के लिए ब्रैंडन फ्रेजर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हेयर नेक्स्ट थर्टी फाइव Which of the Indian state, which Indian state recently got the world's longest railway platform? हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा जो रेलवे platform है वो आपका किस राज्य में देखने को मिलेगा तो राज्य आपका यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है क्योंकि राज्य का नाम है कर्नाटका कर्नाटका के हुबली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर एट जिसकी लंबाई 1500 मीटर के आसपास है वो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आपका यहाँ पर बन जाएगा नन ऑफ दिज ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर है नेक्स्ट वॉट इज़ द लेंथ ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया तो इसकी जो लेंथ आपके यहाँ पर बनती है वो है पंद्रह सौ सात मीटर आ, हुबली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर आठ ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आपके यहाँ पर बन जाएगा नेक्स्ट रिसेंटली द इंडियन आर्मी इंस्टॉल द टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग इन दिली डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर द फ्लैग हाइट इस झंडे की या तिरंगे झंडे की टोटल लेंथ या ऊंचाई आपकी यहाँ पर लगभग कितनी है तो डोडा जिले का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा और लेंथ इसकी बनेगी हाइट बनेगी करीब हंड्रेड फीट नेक्स्ट नाटू नाटू फ्रॉम द फिल्म आर 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 रिसेंटली वन ऑस्कर इन द ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी अपलॉज इट्स अ कॉम्पिटिटर इन द सेट कैटेगरी इज अ सॉन्ग फ्रॉम विच मूवी आराम से रीड करिएगा और बताएगा कि सही जवाब क्या रहेगा हाल ही में आर 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 फिल्म के गाने नाटू नाटू को यहाँ पर बेस्ट औरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड उसने आपके यहाँ पर जीता है और इसी कैटेगरी में एक गाना था अप तो ये गाना उनका कॉम्पिटिटर था और ये गाना किस फिल्म का गाना आपका यहाँ पर बनता है फिल्म का नाम क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर थर्टी एट टेल इट लाइक अ वमेन ये फिल्म है जिसका एक गाना है जो कि कॉम्पिटिशन में था नाटू नाटू के साथ रिसेंटली स्पेन बिकेम दी फर्स्ट कंट्री टू गिव मदर्स एंड फादर्स द सेम नंबर ऑफ पेरेंटल लीव्स दी कंसर्न पेरेंटल लीव्स अकाउंटेड फॉर हाउ मैनी वीक्स ध्यान से ये पेड लीव होगी पहली चीज तो, तो हाल ही में माता पिता को समान संख्या में पैतृक अवकाश देने वाला स्पेन देश का पहला दुनिया का पहला देश आपका बन गया है बच्चों के जन्म के समय पेरेंटल लीव दोनों को ही यहाँ पर समान संख्या में मिलेगी तो लगभग कितने हफ्तों की छुट्टी और ये फुल्ली पेड लीव आपके यहाँ पर दी जाएगी ताकि बच्चे की या बच्चों की अच्छे से केयर आपकी की जा सके क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन सही जवाब है सोलह हफ्तों की छुट्टी आपकी यहाँ पर दी जाएगी ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर फोर्टी रिसेंटली द बुक नेम इज मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमोरटिलिटी वॉज रिलीज द ऑथर ऑफ़ द बुक इज इस किताब के ऑथर यानी कि लेखक आपके यहाँ पर कौन बनते हैं हाल ही में मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमोरटिलिटी पुस्तक का विमोचन किया गया है पुस्तक के लेखक कौन बनते हैं करण सिंह नरेंद्र मोदी अमित शाह राजनाथ सिंह और सही जवाब क्वेश्चन नंबर गोल्डन एंड सिल्वर स्टार एट द गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड रिसेंटली निम्नलिखित में से किस देश ने या किस देश को गोल्डन और सिल्वर स्टार आपका यहां पर मिला है गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स में कंट्री का नाम कोई और नहीं यह है इंडिया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है नेक्स्ट यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी विल द फर्स्ट मैथेनॉल रन बसेस इन विच सिटी किस शहर में मैथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण यहाँ पर नितिन गडकरी साहब जी के द्वारा किया गया है क्वेश्चन नंबर 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 करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ऑप्शन ए ए इन बेंगलुरु सिटी इज द राइट आंसर नेक्स्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चेयरमैन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एल फॉर थ्री मंथ्स ये टेम्पररी पीरियड के लिए चेयरमैन बनाए गए हैं इसलिए इनको अंतरिम अध्यक्ष कहा गया है यानी कि इंटरिम चेयरमैन तो एल के तीन महीनों के लिए अंतरिम अध्यक्ष जो आपके यहाँ पर चुने गए हैं उनका नाम क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री सही जवाब है सिद्धार्थ मोहंती तीन महीनों के लिए अंतरिम चेयरमैन बनाए गए हैं एल के फोर्टी फोर विच कंट्री होस्टेड द थर्ड सेशन ऑफ द नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन निम्नलिखित में से किस देश ने आपदा जोखिम को कम करने के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र की मेजबानी यहाँ पर की है कंट्री का नाम आपके यहाँ पर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर सही जवाब इसका भी आपके यहाँ पर इंडिया ही है तो फोर्टी फोर का आंसर भी इंडिया है याद रखिएगा इंडिया ने अभी रिसेंटली इसको होस्ट किया था फोर्टी फाइव इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स इज सेलिब्रेटेड ऑन अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस जो आपके यहाँ पर मनाया जाता है वो किस तारीख को मनाया जाता है तो फोटीन ऑफ मार्च ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हेयर फोर्टी सिक्स विच क्रिकेट सेलिब्रिटी हैज़ बीन रिसेंटली अनाउंसड एज द वर्ल्ड फर्स्ट हैंड एम्बेसडर बाई दैवलॉन सेवेलॉन सेवेलॉन के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को किस क्रिकेट हस्ती को सेवेलॉन कंपनी ने अपना हैंड एम्बेसडर आपके यहाँ पर घोषित किया है तो यह है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ऑप्शन में सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं है दैट्स वाई कि ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर सही जवाब होगा नेक्स्ट इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम आपका यहाँ पर बनेगा फ्रिंजेक्स ट्वेंटी थ्री रिसेंटली कंडक्टेड तो फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था कहाँ पर इसको कंडक्ट किया गया था तो इसे केरला स्टेट में आपका यहाँ पर कंडक्ट किया गया था ऑप्शन नंबर ए फॉर्टी एट द रिसेंटली कंडक्टेड ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एन एस जी कमांडोज फ्रॉम इंडिया एंड द यू एस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज एस ओ एफ वॉज नेम्ब तो कहाँ मतलब इस एक्सरसाइज का नाम क्या था जो कि भारत की एन एस जी कमांडोज और अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के बीच में कंडक्ट हुआ था फोर्टी एट नंबर क्वेश्चन सही जवाब तर्का से इस ऑपरेशन का नाम था इस एक्सरसाइज का नाम था ऑप्शन नंबर डी

पी ज्योति मनी इज वन ऑफ द राइटर्स ऑफ द बुक टाइटल इज इंडियाज स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस गांधी फॉर्मर जज ऑफ द हाई कोर्ट इस किताब की बात करें इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इस किताब के लेखकों में से एक लेखक पी ज्योति मणि भी हैं ठीक है वो इससे पहले किस उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश भी आपके यहाँ पर थी तो सही जवाब है मद्रास हाई कोर्ट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन आप सभी के लिए होमवर्क यहाँ पर रहेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको सेशन कंप्लीट होते ही यहाँ पर होमवर्क के तौर पर देना है ये आपके लिए होमवर्क है तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जिनको इस क्वेश्चन का आंसर ना पता हो वो लोग कमेंट सेक्शन में जाकर सही जवाब इसका यहाँ पर तलाशेंगे कि उसका सही जवाब क्या है डेली टाइमिंग सभी सेशंस की आप सभी के सामने है आप इनका स्क्रीन शॉट पर ले सकते हैं कि कब कौन सी क्लास आपके यहाँ पर रन होती है हिंदू एडिटोरियल इंग्लिश सेशन डेली करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस सेशन मैथ्स सेशन रीजनिंग सेशन क्योंकि यही वो सभी सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन में आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं आप एम बाई वैप को भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप इस ए पावर्ड एप्लीकेशन का लाभ ले सकें यहाँ से ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक दे सकते हैं साथ ही साथ आप बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी देख सकते हैं तो आज ही जाइए एम बाई वैप पर विजिट कीजिए टेलीग्राम चैनल ताकि आप सेशंस के अपडेट्स और पीडीएफ हासिल कर सकें। आज के लिए सेशन में इतना ही थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइन दिस सेशन लाइव सेशन पसंद आया हो वैल्यू मिली हो तो सेशन को लाइक like जरूर कर दीजिएगा जाने से पहले थैंक यू सो मच मुलाकात होगी अब आपके अगले दिन मंडे को सुबह आठ बजे डेली करंट अफेयर्स सेशन में अंकित गुप्ता साइनिंग ऑफ कीप एम वाइबिंग वी बिलीव इन यू